So hey guys, and what's up? This is Ankan here and you guys are watching The Engine Man, and welcome back to another episode of The Game Reviews. तो भाई आज हम जो गेम को रिव्यू करने वाले हैं उठा के, उसका नाम है The Call of Duty Cold War and ये Black Ops सीरीज का गेम है भाई। तो भाई ये गेम काफी चर्चित गेम में है अभी करेंटली, एंड भाई हम उसी गेम का रिव्यू करने वाले हैं। तो भाई अपना कुर्सी का पेटी एकदम टाइट करके बांध दीजिए क्योंकि बहुत मजे आने वाले हैं। एंड गाइस मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलो गाइस बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं गाइस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्क्रीन पे पांच टैब्स है, क्या कैंपेन, मल्टीप्लेयर, वर्जन, जो कि वर्जन गेम का है। ये आप यहाँ पे आप ना दबाए तो ही अच्छा है, क्योंकि नहीं तो दूसरे गेम में पहुंच जाओगे यार, क्यों सरदर्दी पालना। इसके बाद हमारे पास जॉम्बीज मोड है एंड स्टोर है। स्टोर पे तो कुछ खास कुछ अभी है नहीं, सिर्फ एक ही मतलब मोड रखा हुआ है, एक ही कहानी रखा हुआ है, बट उसको ना खरीदे। एंड यहाँ पे हमारे पास जो होता है वहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स आते हैं एक, एंड सेटिंग्स पे अगर आप देखें तो आपको कीबोर्ड एंड माउस होते हैं। यहाँ पे आपके पास गेम प्ले एंड ऑल आप सेटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है भाई। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्राफिक्स। ग्राफिक्स पे आपको यहाँ पे मल्टी मॉनिटर देखने को मिल जाता है, जो कि मैं करेंटली यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्ट्रीम करना होता है गेम को इसलिए। एंड भाई मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आपको आज मैं कोई गेम प्ले करके नहीं दिखाने वाला हूँ। गेम प्ले मैं अपने ही चैनल पे पहला दो लाइव स्ट्रीम्स में कर चुका हूँ, तो उसमें जाकर आप जरूर चेकआउट करें। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको मेनू में आपको वीसिंग देखने को मिल रहा है, एनवीडिया का रिफ्लेक्स लो लेटेंसी वाला भी देखने को मिल जाता है, एस्पेक्ट रेशियो आपको ऑटोमेटिक पे देखने को मिल जाता है, एंड कलर ब्लाइंड मोड वगैरह आपको साथ में देखने को मिल जाता है अगर आपके पास एनवीडिया का ड्राइवर्स है तो। इसके बाद अगर हम देखा जाए तो ऑडियो में आपको आप अपना साउंड को म्यूट कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, जो मर्जी करना है कर सकते हो। यहाँ पे इंटरफेस के अंदर आपको एनेबल्ड देखने को मिलता है सबटाइटल्स, एंड आपको सबटाइटल्स का ऑक्यूपेंसी कोर्सेस एंड आपको हिट मार्कर्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। ये अपने हिसाब से और आपका ग्राफिक कार्ड के हिसाब से खुद सेट करें, क्योंकि अपना ग्राफिक कार्ड भाई अपना होता है और भाई जिसके पास जैसा ग्राफिक कार्ड है उसी हिसाब से सेटअप करें। अपना ग्राफिक कार्ड का बेकार में गला ना घोटे भैया, वो जनहित में जारी है भैया। इसके बाद हम कंट्रोलर को सेटअप कर सकते हैं। कंट्रोलर को मतलब आप इनपुट डिवाइस अपना कीबोर्ड या माउस पे रख सकते हैं या कंट्रोलर पे भी रख सकते हैं। इसके बाद अगर आप अकाउंट्स में जाए तो अकाउंट्स में आपको सारा मतलब पिंग डिटेल्स भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको वायर्ड एंड नॉन वायर्ड कनेक्शन एंड हिडन कनेक्शन में आपको आ जाने का जो मिलता है। यहाँ पे हम तो भाई क्या ही कर रहे हैं। इसके बाद हम कैंपेन मोड पे चलेंगे, एंड कैंपेन मोड पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलता है। यहाँ पे पहली बात तो आपको तीन सेव फाइल्स आप साथ में चला सकते हो। यहाँ पे गेम वन है, गेम टू है, एंड भाई एक न्यू गेम बना सकते हो। मैंने अभी तक दो ही यूज़ किया है इसलिए। इसके बाद आप पूरा गेम को वॉक थ्रू कर सकते हो एंड खेल सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे आपको एविडेंस टैग मिल जाता है, जो कि आपने थ्रू आउट द गेम प्ले जैसे जैसे एविडेंसेस निकाले थे वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद बात किया जाए कि सिनेमैटिक्स के बारे में, तो आप अपना सिनेमैटिक्स को रीविजिट भी कर सकते हो। एंड एन इम्पॉर्टेंट टास्क जो कि लास्ट वाला सिनेमैटिक था, जो कि मेरे को सबसे तगड़ा लगा, जहाँ पे ये बस कोल्ड वॉर के शुरू होने के ठीक पहले था, वो वाला था ये सिनेमैटिक्स। तो भाई ये सिनेमैटिक्स मेरे को सबसे तगड़ा लगा था देखने के बाद, एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट जो कि मैंने पर्सनली देखा है। तो भाई आप समझ ही सकते हो कि ये गेम कितना तगड़ा हो सकता है इस मामले में, तो जरूर से देखिए इसको भी। इसके बाद हम वापस आते हैं हमारा मेन पेज पे, जहाँ पे हम लोग मल्टीप्लेयर मोड को भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लेयर मोड में क्या क्या है। यहाँ पे क्विक प्ले के अंदर टीम डेथ मैच, जो कि TDM बोल सकते हो, हार्ड पॉइंट डोमिनेशन, किल कंफर्म्ड, VIP एस्कॉर्ट कंट्रोल, फ्री फॉर ऑल एंड सर्च एंड डिस्ट्रॉय आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छे मोड्स होते हैं भाई। इसके बाद फीचर्ड के अंदर आपको जो भी देखने को मिलता है उसमें होता है कंबाइंड मॉसफिट, फायर टीम के अंदर आपको डर्टी बॉम्ब एंड वर्सेस बॉट्स देखने को मिल जाता है, कस्टम गेम्स एंड थिएटर मोड्स भी आपको देखने को मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे जॉम्बीज के अंदर भी मिलता है, बट जॉम्बी मोड ना मेरे को उतना खास नहीं लगा है स्पेशली, क्योंकि भाई वो बात इन लोगों ने बनाने में थोड़ा नासमर्थ रहे हैं, तो भाई मेरे को लगा है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी बोला था कि वो मज़ा नहीं आया जॉम्बी मोड्स के अंदर में मेरे को, जो मज़ा मेरे को एक्चुअली मैंने सोचा था आना चाहिए था। इसके बाद स्टोर का तो आपको पता ही है भाई, स्टोर पे क्या कहानी है
मैंने बोल ही दिया था। अब मैं आता हूँ कैंपेन का स्टोरी को एक्सप्लेन करने में। स्टोरी में काफ़ी अच्छे से जिस हिस्ट्री पे बेस किया गया ना, उसका सिनेमैटिक्स एंड ऑल काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एंड जिस तरीके से इन लोगों ने ग्राफिक्स एंड स्टोरी को मैच किया है ना, रियल टाइम लाइट ट्रेसिंग को जहाँ पे इन लोगों ने डिप्लॉय किया है ना, फिर नॉर्मल लाइट्स भी जहाँ पे इन लोगों ने डिप्लॉय किया ना, वो काफ़ी अच्छा किया। एंड इट्स वर्थ इट गाइस, इट्स वर्थ इट। तो बहुत अच्छे से इन लोगों ने गेम को ऑप्टिमाइज एंड डिज़ाइन एंड ऑल किया है। तो भाई सिंपल सी बात है, गेम इज़ वर्थ इट। तो अब हम आते हैं इसका रेटिंग के ऊपर। तो मैं इसका गेम प्ले के ऊपर इसको आराम से 9.5 आउट ऑफ 10 रेट कर सकते हैं। इसका स्टोरी एंड सेटिंग, जो कि आसपास का सेटिंग है, उस पर आप इसको आराम से 9.7 रेट कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको मतलब लाइटिंग, सिर्फ लाइटिंग जो कि रे ट्रेसिंग से आता है, उस पर अगर आप जाना चाहते हो, यानी कि आपका जो मतलब पीछे का जो हार्डवेयर का यूटिलाइजेशन पावर है उसमें जाना चाहते हो, तो ये 9.7 आउट ऑफ 10 है। क्योंकि आपके पास अगर ऑफिशियल ड्राइवर्स हैं तो आप ज़रूर से उससे आराम से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और अच्छे से। तो ये एक पॉइंट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इस गेम का। फिर हम आ जाते हैं इसका जो भी मतलब इनसाइड स्टोरीज एंड ऑल स्टोरीज पे। तो भाई इसको आप आराम से 9.9 आउट ऑफ 10 रेट कर दो यार, बहुत तगड़ा कहानी है। कहानी में मतलब एंड तक आपको एक सस्पेंस बना रहता है जो कि आपको एकदम दिल छू जाने वाला है भाई। इसके बाद हम मल्टीप्लेयर मोड का बात करें, तो मल्टीप्लेयर पे जैसे कि आप जानते हो कि भाई इसमें तो उतना कुछ स्टोरी का है नहीं, इसमें मोस्टली गेम प्ले है। तो मल्टीप्लेयर काफ़ी फास्ट पेस्ड गेम प्ले है जो कि मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस गेम को आराम से 9.5 रेट या 9.4 रेटिंग आप दे सकते हो। फिर जॉम्बीज का बात किया जाए तो यार जॉम्बीज में भाई वो बात नहीं रही, तो मैं इसको आराम से 8 रेट करूँगा आउट ऑफ 10। भाई सबकी अलग अलग चॉइस होने वाली है, मेरे को पता है आप लोगों को भी अलग अलग राय होने वाला है इस बात पे। तो कमेंट सेक्शन है भाई, बताना ज़रूर आपका राय क्या है। एंड ओवरऑल गेम का नेट वर्थ अबाउट इट्स मनी तो बताया जाए तो भाई इसको आप आराम से 9.8 रेटिंग दे सकते हो। इसको बहुत तगड़ा मनी वर्थ देता है। एंड ओवरऑल पे मैं इसको 9.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा क्योंकि गेम सच में वर्थ इट है। तो गाइज आपका राय भी ज़रूर बताएं कमेंट्स में, क्योंकि मैं उसको पर्सनली रीड करूंगा एंड आपको भाई फिर बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। मैं आप अगर आपको इसको चलाने में कोई दिक्कत आ रहा है तो वो भी ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उसको भी एक बारी विजिट कर लूँगा एंड फिर उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर अच्छा लगा है बुरा लगा है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तो आज की वीडियो यही तक थी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ठोकना, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही ऑसम कंटेंट हर रोज़ लाते रहते हैं। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हो तो मेरी वो सोशल मीडिया हैंडल भी नीचे दिया गया है भाई। एंड अगर आप मेरे साथ हर वीकेंड्स में लाइव स्ट्रीम में खेलना चाहते हो तो भाई नीचे दी गई डिस्कॉर्ड लिंक को ज़रूर चेकआउट करें एंड उसको ज्वाइन करें, और वहाँ पे मैं अपना सब्सक्राइबर्स के साथ बातचीत भी करता रहता हूँ। तो गाइज मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड सी यू गाइज़।